आज हम करेंगे आपके हिंदी गुलमोहर व्याकरण पुस्तिका की चैप्टर नंबर 3 संधि की अभ्यास। पहला प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक भेद के दो दो उदाहरण दीजिए। अब जैसे कि हमने पढ़ा, संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि के कितने प्रकार पढ़े हमने? हमने संधि के 3 भेद पढ़े। वह है स्वर संधि, जो कि किसी स्वर को स्वर के साथ मिलाने पर जो परिवर्तन लाता है संधि में, उसे हम स्वर संधि बोलते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि, जब हम किसी व्यंजन को स्वर के साथ या किसी व्यंजन को व्यंजन के साथ या किसी स्वर को व्यंजन के साथ मिलाते हैं तो हमें व्यंजन संधि मिलता है। और विसर्ग संधि क्या है? जब हम विसर्ग को किसी स्वर या व्यंजन के साथ संधि करें तो जो परिवर्तन संधि में आता है उसे हम विसर्ग संधि बोलते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। पहला स्वर संधि, हिमालय। स्वर संधि का मतलब हमने पढ़ा, स्वर का स्वर के साथ मेल या जोड़ देता है हमें स्वर संधि। तो हिमालय, जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है हिम और आलय। अब हिम एक, इसमें स्वर छुपा हुआ है अ, और आ होता है आलय में है आ, तो अ और आ जुड़ के क्या बनता है? आ बनता है, इसीलिए हिमालय। ये है स्वर संधि का उदाहरण। अभी हम देखेंगे दूसरा उदाहरण, पर प्लस उपकार हो जाता है परोपकार, क्योंकि यहाँ से पर से आता है र से आता है अ वाला स्वर, और उपकार में पहला स्वर जो है वह ऊ का स्वर है, तो अ और ऊ के स्वर को मिलाने से आता है ओ। अ और ऊ आप बोलिए आपको आएगा ओ, इसीलिए यह जुड़ के बन जाता है, इसका लोप बन जाता है परोपकार। दूसरा है व्यंजन संधि के उदाहरण। अब व्यंजन संधि के उदाहरण है जगत प्लस ईश जगदीश। अब जैसे कि हमने कुछ नियम पढ़े थे जहाँ पे जो पहले शब्द का जो लास्ट वर्ण है त अगर है तो वो जब किसी स्वर से मिलेगा, ये व्यंजन एक स्वर से मिल रहा है तो यह बन जाता है जगदीश। दूसरा हम देखेंगे उदाहरण, सम प्लस वाद बन जाता है संवाद। यह म संबंधी नियम है जो कि जब किसी व वाले शब्द के साथ जुड़ेगा तो यह जाके अनुस्वार के रूप में म अनुस्वार के रूप में जाके लगता है और संधि बनता है। तो यह म संबंधी नियम के साथ हमने एक उदाहरण दिया। अब दूसरा है विसर्ग संधि के उदाहरण। विसर्ग संधि, ये जो है ये दो डॉट्स को हम विसर्ग बोलते हैं, तो विसर्ग प्लस कुछ और शब्द को जब हम संधि करते हैं तो यह बन जाता है निष्कपट। अब ये हमने सब नियम्स पढ़े हैं इसके, इसीलिए यह विसर्ग के साथ कोई व्यंजन जुड़ रहा है तो ये बन जाता है निष्कपट। निह प्लस कपट निष्कपट, निह प्लस धन निर्धन, इनके सारे नियम मैंने आपको विसर्ग संधि के चैप्टर में समझाया है। अब दूसरा प्रश्न, सही कथन पर सही का तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। संधि का अर्थ है दो व्यंजनों के मेल से होने वाला परिवर्तन? नहीं, ये गलत है, क्योंकि संधि का अर्थ है दो वर्णों के मेल का। अब दूसरा, संधि विच्छेद में ध्वनियों को अलग अलग करके संधि से पूर्व की स्थिति में रख देते हैं, ये बिल्कुल सही है। तीसरा, स्वर संधि में केवल दो स्वरों का ही संयोग होता है तथा व्यंजन संधि में केवल दो व्यंजनों का? नहीं, ये गलत है, क्योंकि स्वर संधि में तो केवल दो स्वरों का होता है, ये सही है, लेकिन व्यंजन संधि में होता है हमारा व्यंजन को जब हम स्वर के साथ मिलाते हैं या स्वर को व्यंजन के साथ या व्यंजन को व्यंजन के साथ जब मेल किया जाता है तो हमें व्यंजन संधि मिलती है, ना कि सिर्फ दो व्यंजनों का मेल पर, तो यह भी गलत है। अब चौथा, विसर्ग संधि में पहली ध्वनि स्वर होती है? नहीं, विसर्ग संधि में पहली ध्वनि होती है विसर्ग का। जैसे हमने पढ़ा, यहाँ पे देखिए निह, निह प्लस कपट निष्कपट, तो ये आया विसर्ग का पहला ध्वनि होता है। वैसे ही पांचवें क्वेश्चन पे, नर प्लस इंद्र नरेंद्र स्वर संधि का उदाहरण है? यस,
ये सही है। नर प्लस इंद्र, क्योंकि र से आया आपका अ का स्वर, ई से आया आपका ई, छोटी ई का स्वर, जो जाके बन जाता है ए, तो यह हो जाता है नरेंद्र। जब इनका मेल हो, अ और ई स्वर का मेल ए में बदल जाता है, और ये गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। अब तीसरा क्वेश्चन, संधि विच्छेद कीजिए। विद्यालय, अब पहले बच्चे जब आपको कोई शब्द दिया जाता है उसका संधि विच्छेद करने के लिए पहले उसको आप उच्चारण कीजिए, विद्यालय। तो जब हम दो शब्दों का मेल से हमें एक संधि आता है, और एक शब्द को जब हम दो हिस्सों में बांटते हैं तो दो शब्द आते हैं, तो किन दो शब्दों से हमें विद्यालय आ सकता है? एक जो कि किसी शब्द जिसका कुछ अर्थ हो, ऐसे नहीं कि किसी शब्द का अर्थ नहीं है और आपने दो शब्द जोड़ दिए, नहीं, दो शब्दों का कुछ अर्थ होना चाहिए। जैसे विद्यालय, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। विद्या मतलब आपको पता है कि स्टडी, और आलय मतलब भवन या फिर जो बिल्डिंग है। तो ये दोनों कुछ मीनिंग रखते हैं, ये दो वर्ड्स, इसीलिए हमको जब भी संधि विच्छेद करें तो कुछ मीनिंग होना चाहिए दो वर्ड्स का। तो विद्यालय बन जाता है आपका विद्या प्लस आलय। वैसे ही हरीश, अब देखिए हरि प्लस ईश बन जाता है आपका हरीश। यहाँ से आप देख सकते हैं स्वरों के मेल से हरीश का संधि विच्छेद है, हरि प्लस ईश। अब रविंद्र, रविंद्र आपका बन जाता है रवि प्लस इंद्र, क्योंकि यहाँ से आपको पता है कि रवि भी एक शब्द है जिसका कुछ मीनिंग है, और इंद्र भी एक शब्द है जिसका मीनिंग है। तो यहाँ रवि से आपको ई वाला स्वर आता है, और इंद्र से भी आपको ई वाला स्वर आता है। और हमने क्या पढ़ा था स्वर संधि में, कि जब कोई ई की मात्रा से जुड़े, ई स्वर कोई ई स्वर से जुड़े, तो हमें बड़ी ई की मात्रा आती है। तो यह बन जाता है आपका रविंद्र। अब चौथा वाला पढ़ेंगे, सदैव। सदैव आपका होता है सदा प्लस एव। अब दा से आपको मिला आ की मात्रा, और एव से मिला ए, तो आ और ए जुड़ के ए बन जाता है। वैसे ही महर्षि, महर्षि में महा और ऋषि, आ की मात्रा हा से आया और री की मात्रा ऋषि से आया, दोनों जुड़ के बन जाते हैं अर। इसीलिए जब हम बोलते हैं तो महा प्लस ऋषि महर्षि बन जाता है। जब हम लिखेंगे, अगर आपको यहाँ पे तो आपको दिया है कि संधि विच्छेद करने के लिए, अगर आपको बोलेगा कि संधि बनाने के लिए महा और ऋषि का, आप पहले इस शब्द का आखिरी वाला जो वर्ण है उसका स्वर लिखेंगे, फिर दूसरे वाले शब्द का जो पहला शब्द वर्ण है उसका आप लिखेंगे, उन दोनों को जोड़ के जो ध्वनि आती है उसी को हम इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पर आ और री मिलके अर हो रहा है, इसीलिए महा प्लस ऋषि बन जाता है महर्षि। ऐसे ही आप कीजिए यद्यपि, यदि प्लस अपि। अब यहाँ से कौन सा स्वर आया, द से ई का स्वर आया, और अ से कौन सा है, अ, ई अ बन के जुड़ जाता है, य बनता है, इसीलिए यह बन जाता है यद्यपि। आप बोल के उच्चारण करके समझेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। इत्यादि, इति प्लस आदि, ये दोनों ही कुछ शब्द का मीनिंग है, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी आप वर्ड बना दे। तो यहाँ से आया छोटी की मात्रा, और यहाँ से आया बड़ा आ, तो ई और आ बन जाता है या। तो इति और आदि, ये दोनों स्वर जुड़ के इत्यादि बन जाता है। इत आपका छोटा बन जाएगा यहाँ पे, या अधूरा त, और यादि, ई और आ यादि। प्रत्येक, प्रति प्लस एक प्रत्येक। परीक्षा, परि प्लस इक्षा परीक्षा। वैसे आप, मैंने सब आपको ब्रेक डाउन करके दिया है, प्लीज गो थ्रू इट। स्वागत, सु प्लस आगत, ऊ की मात्रा सु से आता है, और आ, ये जुड़ के बन जाता है स्वागत। फिर रामेश्वर, राम प्लस ईश्वर। गायक, गय प्लस अक गायक, ए प्लस अ की मात्रा आई बन जाती है, इसीलिए गायक बन जाता है। ये सारे मैंने आपको नियम में समझा है, कोई भी डाउट हो आप प्लीज गो थ्रू दैट। वागीश, वागी प्लस ईश वागीश। षडानन, षट प्लस आनन, ट से आपको अ का स्वर आया, आनंद से आपको आ का स्वर आया, दोनों मिला के आ, इसलिए यह बन जाता है नियम के अनुसार ट ठ ड ढ, तो यह बन जाता है ट, बन जाता है आपका ड, तो षडानन। वैसे ही हम पढ़ेंगे जगदीश, जगत प्लस ईश। यह व्यंजन संधि के नियम दो के अनुसार है,
त, थ, द, ध, न, पहला वर्ण आपका तीसरे वर्ण में बदल जाता है जब कोई स्वर के साथ जुड़ता है। तो ये आप सारे नियम आपके सामने होने चाहिए, तभी आप ये सब एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। पहले तो जब प्रैक्टिस कर रहे हैं सारे नियम साइड में रखिए और कीजिए, उसके बाद सबको याद करके फिर आप ब्रेक डाउन कीजिए, आप देखेंगे आराम से कर सकते हैं। संगीत होता है सम प्लस गीत, ये म संबंधी आप जहाँ पर भी अनुस्वार आएगा आप लिख सकते हैं म हलंत सम प्लस गीत। शयन शे प्लस अन शयन, क्योंकि यहाँ से हमको ए की मात्रा मिली और अ, ए और अ जुड़ के अय बन जाता है, तो जहाँ पर भी अय आएगा आप उसको आप जान जाएंगे कि पहले वर्ण में ए की मात्रा लगेगा और दूसरे में अ का स्वर्ण लगेगा। ऐसे जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा ये। सन मार्ग, वैसे ही सन मार्ग, त थ द ध न, नियम एक आप देखिए, त थ द ध न, अब ये पहला वर्ण पांचवें वर्ण में भी बदलता है। नियम एक को आप याद कीजिए व्यंजन संधि का, ये आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ही तपोबल, तपह प्लस बल, क्यों? क्योंकि ब है हमारा प वर्ग का तीसरा वर्ण, तो यह ऐसे हो जाता है, ओ में लोप हो जाता है उसका। अब निश्चल, निह प्लस चल निश्चल, यह विसर्ग संधि का पहला नियम आप थोड़ा सा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जब भी च रिलेटेड कोई भी वर्ण आता है तो वो जाके जुड़ने पर श में परिवर्तित होता है। वैसे ही मनोरंजन, मनह प्लस रंजन मनोरंजन, अब देखिए जहाँ पे भी आपको ओ की मात्रा मिले तो आप थोड़ा सा आप रिफ्रेश कीजिए अपने मेमोरी को कि वो विसर्ग में आएगा, मनह प्लस रंजन मनोरंजन। वैसे ही निर्धन, निह प्लस धन निर्धन, नियम पांच के अनुसार। अब अतेव, अतः प्लस एव अतेव, यह विसर्ग संधि में आएगा। पुनर्जन्म, पुनः प्लस जन्म विसर्ग संधि, पांचवा नियम आप देखेंगे, पुनर्जन्म आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये मैंने सब डिटेल में समझाया है विसर्ग संधि के चैप्टर में। अब चौथा, संधि कीजिए, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा, अब देखिए धर्म से हमें अ का स्वर मिला, आत्मा से आ का स्वर मिला, दोनों जुड़ के आ बन जाता है, तो जब हम जोड़ेंगे इन दोनों को संधि करेंगे तो बन जाएगा यह वाला स्वर बीच में आना चाहिए, तो क्योंकि जोड़ तो बीच में हो रहा है ना, इसीलिए धर्मात्मा, यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अभी रवि प्लस इंद्र रवींद्र, ये भी दीर्घ संधि है, क्योंकि यहाँ से छोटी ई यहाँ से छोटी ई, जब भी दो छोटी ई की मात्रा मिलती है हमें बड़ी ई मिलती है, तो यह जो छोटी ई है यहाँ पे, यह जब मेल हो जाएगा तो हो जाएगा बड़ी ई की मात्रा, हरस्व स्वर बन जाता है दीर्घ स्वर। अब मुनि प्लस ईश बन जाता है मुनीश, छोटी ई की मात्रा जब बड़ी ई की मात्रा से जुड़ेगी तब भी वो बड़ी ई की मात्रा में ही परिवर्तित होगी। रजनी प्लस ईश रजनीश, सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी, उ की मात्रा यहाँ से बड़ी उ की मात्रा यहाँ से, तो यह परिवर्तित होगा बीच में बड़ी उ में सिंधुर्मी। वैसे ही राम प्लस ईश्वर रामेश्वर, क्योंकि जब भी हम यहाँ से हमको अ का स्वर मिला और यहाँ से ई और अ और ई जोड़ के ए बनते हैं, ये सब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है ये सब। दूसरा पर प्लस उपकार परोपकार, देखिए जहाँ पर भी ऊ आया वो ओ में बदल जाएगा। महा प्लस उत्सव महोत्सव, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, तथा धन एव तदेव, अति धन अंत अत्यंत, इति धन आदि इत्यादि, सु धन आगत स्वागत, सु धन अच्छ स्वच्छ। अभी पांचवा, निम्नलिखित की संधि कीजिए, वाक प्लस ईश वागीश, क्योंकि क वर्ग का बन जाएगा चौथे वर्ण में, पहला क वर्ग का पहला वर्ण परिवर्तित होता है तीसरे वर्ण में, तो क बन जाता है जब वो ई वाले स्वर से जुड़ेगा, तो क तीसरे वर्ण में परिवर्तित होके ग हो जाता है, तो वाक प्लस ईश वागीश, दिक् प्लस गच दिग्गज, अब देखिए ये हलंत वाले शब्द है तो ये अधूरा क है, तो जब ये परिवर्तित हो के बीच में मिलन होगा तो ये आधा ग बन जाएगा, क्योंकि पहला वर्ण तीसरा वर्ण में परिवर्तित होता है पहले वर्ग का, तो और गज गज ही रहेगा, तो दिक् बन जाता है, दिग् और गज के साथ मेल होके दिग्गज हो जाता है। षट प्लस दर्शन षड दर्शन,
उत प्लस घाटन उद्घाटन। अब देखिए हमने त थ द, अब ये त वर्ग का पहला वर्ण परिवर्तित हो जाता है तीसरे वर्ण द में, इसीलिए त जाके यहाँ पे बन जाता है द, उद्घाटन। सत्य मार्ग, यहाँ देखिए जैसे ही यहाँ पे त संबंधी आया तो आप त हलंत है, आप नियम के अनुसार जब भी ये म के साथ जुड़ रहा है तो ये अनुस्वार बन के जुड़ेगा, तो सन्मार्ग। अब उच्चारण उच्चारण, यह भी व्यंजन संधि के नियम के अनुसार है। सत्जन सज्जन, इसका आप नियम देख लीजिए, ये त संबंधी नियम है जिसमें यह जब ज के साथ जुड़ता है तो त आधा ज बन जाता है जो भी यहाँ पे है। अगर यहाँ पे जैसे उल्लास, अगर उल प्लस लास होगा तो वो बन जाएगा उ आधा ल लास, उल्लास। ये त संबंधी नियम आप थोड़ा सा अपना रिफ्रेश कर लीजिए। उत प्लस हार उद्धार, ऐसे ही यह त वर्ग का जब, अब देखिए यहाँ पे एक नियम है त का, जब त जाके ह वाले शब्द से जुड़ता है तब हमने क्या पढ़ा था कि त जाके द बन जाएगा और ह जाके ध बन जाएगा, तो उत्धार उत्धनहार बन जाता है उद्धार। वैसे ही सम प्लस गीत वो बन जाता है संगीत, जहाँ पे यह म जाके अनुस्वार का रूप ले लेती है। अब अहंकार अहंकार अनुस्वार का रूप ले लिया म ने, वैसे ही संतोष संतोष यह अनुस्वार का रूप ले लेता है यह म। उसके बाद संभव संभव यह अनुस्वार का रूप लेके संभव हो जाता है। अब दिए गए संधि विच्छेदों के शब्द बनाइए। तपह प्लस बल, हमने क्या पढ़ा कि जब भी विसर्ग के बाद ब संबंधी आएगा तो वो लोप हो जाता है, प फ ब, तो जब भी प तीसरे वर्ण के साथ लोप उसका हम संधि करते तो वो परिवर्तित हो जाता है ओ में, तो तपोबल। सर ह प्लस वर सरोवर, मनह धन योग मनोयोग, मनह धन रंजन मनोरंजन, निह धन छल निश्चल। अभी यह छ संबंधी नियम है विसर्ग संधि का, उसमें जब भी कोई विसर्ग के बाद छ आता है तो वो जब मिलान होता है उसका तो यह छ में, छ के पहले श में परिवर्तित हो जाता है यह विसर्ग। तो दूसरा है निह धन संदेह बन जाता है निस्संदेह, क्योंकि हमने यह है स संबंधी नियम, स संबंधी नियम जब भी कोई विसर्ग एक स संबंधी शब्द से जुड़े तो यह विसर्ग आधा स बन जाता है, परिवर्तन होता है आधा स में और संदेह संदेह ही रहता है, निस्संदेह। आप नियम के अनुसार करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। निह धन धन निर्धन, तुर धन उपयोग। अब देखिए बहुत लोग दुरुपयोग लिखते हैं जहाँ पे यह आर में र में हम बड़ी ऊ की मात्रा की तरह लिखते हैं, नहीं, ये बड़ी ऊ है और ये है छोटी ऊ, जहाँ पे हम इसको अंदर की तरफ बड़ी ऊ की तरह नहीं लिखते, बस ऐसे ही लिखते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए जब भी आप स्पेलिंग लिखते हैं कि ये बड़ी ऊ की मात्रा र में लगता है और ये होता है छोटी ऊ की मात्रा जो र में लगता है। अब पुनः धन जन्म पुनर्जन्म, तुह धन दिन दुर्दिन, निह धन रोग निरोग, क्योंकि यह जब इस तरफ आएगा तो दीर्घ स्वर बन जाता है, अतः धन एव अतेव। अब दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्दों से के सही संधि विच्छेद चुनिए। स्वार्थ स्वार्थ को हम लिख सकते हैं स्वय प्लस अर्थ बन जाता है, यहाँ से व का स्वर आता है, व का स्वर अ, और जब यह जुड़ता है अ अर्थ से तो यह बन जाता है आ, तो स्वार्थ हो जाता है। सदैव सदैव है सदा प्लस एव, यहाँ द से आया आ और एव से आया ए, तो आ और ए जब मिलता है तो बड़ी ए की मात्रा बन जाता है, इसीलिए हम इसको सदैव लिखते हैं, यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। षट धन दर्शन षड दर्शन, वाक प्लस मैं। अब ये देखिए हमने क्या बोला था, ये भी एक नियम है जहाँ पे क वर्ग का पहला वर्ण जाके बन जाता है पांचवा वर्ण में, तो वाक धन मैं वांग मैं। उत धन हार, अब जैसे मैंने बोला था त संबंधी नियम जब भी कोई ह वाले शब्द के साथ जुड़ेगा तो यह त जाके द बन जाता है और यह ह जाके धा बन जाता है, तो यह बन जाता है उद्धार। अब
नियमों के अनुसार हमने ये एक्सरसाइज या अभ्यास कंप्लीट किया। और कोई भी आपको डाउट हो इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट मैं आपको एक सजेशन दूंगी, पहले सारे नियमों को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, कुछ उदाहरण कीजिए उसके, उसके बाद खुद से संधि विच्छेद करना सीखिए, फिर संधि विच्छेद करने के बाद संधि उसी शब्द का संधि कीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चार्ट बनाइए सारे नियमों का, आपके सामने रखिए, चार्ट के अनुसार कीजिए और बहुत सारे उदाहरण प्रैक्टिस करते जाइए। संधि चैप्टर सिर्फ नियमों से भरा हुआ है और कुछ नहीं। आपको अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब, और जो नोटिफिकेशन का बटन है वो प्लीज़ ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चिल्ड्रन, काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू।